वेलकम टू जी खबर। देखिए एक न्यूज़ है थी जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉब्लम में थे, क्योंकि TET 2017 के जो प्रमाण पत्र है वो तो नहीं मिले थे, और पेपर में साफ बोल दिया गया है कि आप एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो आपके पास मतलब मुख्य प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। इसमें क्या है कि कुछ लोग टेट जो 2017 के नहीं थे, वो CTET जो पास थे, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो क्या लेके जाए, कि क्या वो CTET का है वो प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी समस्याएँ थी जो पेपर में दिखाई दे रही थी। लेकिन देखिए ये न्यूज़ आ चुकी है कि मतलब ये देखो डायरेक्ट की तरफ से न्यूज़ है, और यहाँ पर दिया गया है कि दो जो TET 2017 के प्रमाण पत्र वो मुख्यालय डायरेक्ट में भेजे जा रहे हैं, ठीक है। मंडल मुख्यालय के डायरेक्ट के प्रचार अपने मंडल के अन्य जिलों में डायरेक्ट प्रचारक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे शिक्षक भर्ती की परीक्षा से पहले। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले TET में सफल जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। देखिए और ये जो आपकी डॉक्टर सुता सिंह सचिव है परीक्षा नियम है, उनकी तरफ से ये आया है। तो देखिए अच्छी न्यूज़ है कि अब आपको थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रमाण पत्र हैं आपको एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और कन्फर्म है कि एग्ज़ाम 12 को ही होने हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप एग्ज़ाम में लगे रहिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, और ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर होगी तो मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आपको मतलब आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने कई सब्जेक्ट के वीडियो मतलब अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, और वो बहुत बेस्ट वीडियो हैं, मैंने काफ़ी बुक से लेकर बनाए हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे वो सब, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।